मूसलाधार बारिशों ने नवाबशाह में हर तरफ तबाही मचा दी है। तूफानी बारिशों से जिले में ज़राअत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मजीद बता रहे हैं अनवर शेख अपनी इस रिपोर्ट में। मानसून की बारिशों ने सिंध भर में तबाही मचा रखी है। नवाबशाह शहर समेत तालका दौड़, सकरण और दौलतपुर में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान ज़राअत के शोबे को हुआ है। हालिया तूफानी बारिशों की वजह से जिला शहीद बेनजीराबाद की तमाम फसलें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि वो जिला के लोगों को रिलीफ दे। काश्तकारों का कहना है कि जिले में 6 लाख एकड़ पर काश्त की गई फसलों में से कपास की 2 लाख एकड़ जबकि गन्ने की 1 लाख एकड़ फसल के अलावा प्याज और सब्जियों की 3 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी तैयार फसलें बारिश की नजर हो चुकी हैं। इनका कहना है कि हमने बैंकों से कर्ज लेकर अपनी जमीन आबाद की थी जो तबाह हो चुकी है, हुकूमत कर्जों पर नजर सानी करे। तूफानी बारिशों से हमारी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हमने लाखों रुपया इस फसल पर खर्च किए थे। गवर्नमेंट मेहरबानी करके हमें गंदम की काश्त के लिए कोई और सहूलत दे और हमारे कर्जे माफ करे। कपास थी वो बिल्कुल तैयार थी और वो बारिश शदीद बारिश होने की वजह से तबाह हो चुकी है। हालिया तूफानी बारिशों से सिंध की तरह नवाबशाह में भी लाखों एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें डूब चुकी हैं। काश्तकारों का कहना है कि उनकी कपास, गन्ना और सब्जियों समेत दीगर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें रिलीफ दे। कैमरामैन असद बुखारी के साथ मोहम्मद अनवर शेख, जियो न्यूज़, नवाबशाह।